जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनियन काउंसिल टाटेपुर के चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार हैं मलिक हामिद रजा धराला साहब, और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो है इस हल्के की मौजूदा क्या सूरत हाल है, इस पर वो कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर, आप इस हल्के से जो है वो चेयरमैन के मजबूत उम्मीदवार हैं, तो इस मजमूई तौर पर आप किस नज़र से देख रहे हैं कि इस हल्के की मौजूदा क्या सूरत हाल है और कौन सी पार्टी जो है आपको यहाँ से जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट और पावरफुल नज़र आती है? जी, क्योंकि ये देही इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा तल्लक का वोट होता है और धड़ेबंदी की सियासत होती है, पार्टीज़ जो है ज़्यादा यहाँ पे असरअंदाज नहीं होती, तो धड़ेबंदी के लिहाज से या ग्रुपिंग के लिहाज से इस वक्त जो ग्रुपिंग सबसे अच्छी ग्रुपिंग जो जा रही है वो सैयद अली मूसा गिलानी की और मलिक वासिम मज़हर रां की जा रही है। वो एन ए 151 से अली मूसा गिलानी साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन कौमी असम्बली के लिए, और पीपी 219 के लिए सूबाई असम्बली के लिए मलिक वासिफ रां साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो इन दोनों की मलिक वासिफ और को मिल मलिक वासिफ रां जब से शामिल हुए हैं सैयद अली मूसा गिलानी के साथ तो उनकी ग्रुपिंग ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, और सैयद अली मूसा की गिलानी भी ग्रुपिंग बहुत अच्छी थी, तो ये दोनों ग्रुप जब मिल गए हैं तो मेरे ख्याल में इनको शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है अब इस हल्के में, पीपी 219 में और एन ए 151 में। और पीपी 220 में जो राणा सिराज साहब आए हैं सैयद अली मूसा गिलानी के साथ, तो वो एक जो राणा डोगर और इस किस्म के जो बिरादरियां हैं सारियां जो पंजाबी बिरादरियां हैं वो भी सारी मिल गई हैं, उसका असर ये हुआ कि राणा महमूद और हसन को भी गिलानी साहब ने अपनी तरफ खींच लिया है और राणा बिरादरी को 3 टिकट्स दिए हैं पीपल्स पार्टी के। तो अब जो है वहाँ पे जो हलका है उनका बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और उस हलके में जो पीपी 220 में है ज़्यादातर रहते भी पंजाबी लोगों का जो है ना वो चकूक जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से वहाँ पे भी ये मजबूत हो चुके हैं। तो अब तो वाजे जो है ना क्लियर नज़र आ रहा है कि सैयद अली मूसा गिलानी जो है सीट आराम से निकाल रहे हैं और मलिक वासिफ भी निकाल रहे हैं और इकबाल सिराज साहब भी सीट निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। 8 फरवरी इलेक्शन डे के हवाले से आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, 8 फरवरी को लोग इंशाल्लाह निकलेंगे और पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आके अपने हक रहदेही का इस्तेमाल करें और अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दें जहाँ उनका दिल करता है, जमहूरियत तो यही है, तो जमहूरियत के लिहाज से वो वोट करें। और मेरी अपील यही होगी कि वो सैयद अली मूसा गिलानी और मलिक वासिफ मज़हर रां को वोट करें और पुरअमन तरीके के साथ आएँ और पुरअमन तरीके के साथ माहौल को ख़राब मत करें, आपस में लड़ाइयाँ मत करें, वोट आने हैं चले जाने हैं, जमहूरियत है, हर बंदे की मर्ज़ी है, जहाँ पे वो वोट दे कोई किसी के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे यूनियन काउंसिल टाटेपुर से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार, इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक पार्टी सिस्टम से हटकर एक बरादरी बेस पर जो है वो बहुत सारा वोट जो है वो बेस करता है, क्योंकि लोग बरादरियों से और ख़ानदान और बरादरियों से जुड़े होते हैं और फिर जिससे कमिटमेंट करते हैं तो वोट जो है वो उसी को देते हैं पार्टी बेस से हटकर थोड़ा सा। उसके अलावा जो है ये हमें काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आते हैं अली मूसा गिलानी के हवाले से और मलिक वासिफ मज़हर रां के हवाले से, तो 8 फरवरी के हवाले से भी इनका यही कहना है कि आवाम जो है उसको पुरम रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, बाहर निकलें, वोट करें, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि इलेक्शन डे आएगा, गुजर जाएगा, तमाम लोग आपके जो कैंडिडेट हैं वो ऐवान इक्तदार तक भी पहुँचेंगे, और कंपटीशन की एक अच्छी बात यह होती है कि किसी एक पार्टी को हारना और किसी एक पार्टी को जीतना होता है, तो खुले दिल से जो है हारने वाले अपनी हार तस्लीम करें, जीतने वाले आला जरफी का मुजाहरा करें, ऐवान इक्तदार तक पहुँचें, लोगों के काम करें और आवाम और इस माहौल को जो है वो ख़राब ना करें, क्योंकि हम सब लोगों ने यही रहना है, ये हमारा देश है और हमें ही इसके लिए सब कुछ करना है। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें मुल्तान टुडे, सो स्टे विद अस।